I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go. Hey guys, good morning, welcome back to my new blog. This is Anmol Jain from Bulbul Direction Navrampur. आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। सो गाइस, ठंडी तो स्टार्ट हो गई, शर्ट के ऊपर हमने ये डाल दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं काजू फैक्ट्री काजू लेने के लिए और आम के पत्ते लेने के लिए। लेट्स गो। और क्लाइमेट बहुत सुहाना है, अभी व्यू दिखेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज, यहाँ पर सुबह सुबह कोहरा भी स्टार्ट हो गया, अब कोहरा भी आना चालू हो गया, मतलब विंटर सीजन आ गया ना उसके हिसाब से। हमारे नवरंगपुर का कल्टीवेशन। ओ भाई, तो घर में कुछ कुछ विसर्जन करने के लिए दिए हैं, तो वो हम विसर्जन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ से मॉर्निंग व्यूज एक्सीलेंट लग रहा है, मतलब डैम के ऊपर से, और गाड़ी वगैरह चल रही है तो डैम हिल रहा है। मैं वेट दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, स्कूटी हिल रही है। सो गाइस, फाइनली काजू फैक्ट्री पहुंच गए। जो जो काजू हमको चाहिए वो हम बोल देंगे, और वो बोलकर फिर हम आम के पत्ता लेने के लिए जाएंगे, फिर रिटर्न आते वक्त ले जाएंगे। तो पोपट हो गया, भैया नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं अब आम पत्ता लेने के लिए। बस्ता फॉर आम का पत्ता। आम का पेड़ है ये? जी, आम का पेड़ तो लग नहीं रहा है भाई। सो गाइस, आम के पेड़ के पास आया है, पर श्योर नहीं है कि ये आम का पेड़ है, बिकॉज एक भी आम नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी देख देख कहाँ चढ़ रही है, आम का ही पेड़ है ये। आम नहीं दिख रही है, आम का ये। चलो, तो कैसे कैसे पता लगा है कि आम का पेड़ है? एक पत्ते को तोड़ो, चाक मत लियो, पकड़ो। आम का ये ये चारों तीनों बस्ता फिल करने हैं आम के पत्ते से। एक बैग भी फिल नहीं हुआ है अभी तक, और दो बैग हैं। देखो गाइस, साइड में चीकू लगे हैं। यहाँ पे कितने छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ये है चीकू का पेड़, चीकू है इसमें लगे हुए हैं। एक निकाल के देखें क्या? कच्चे हैं, कच्चे 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 चीकू है, कोई फायदा नहीं है निकाल के। वो वाले आम के पेड़ से बेकार निकाले रहे हैं सबसे। इसमें इसमें अच्छे, उसमें वो वाले में सब कीड़े खा गए हैं। ये पूरा प्योर है, अभी निकलने वाली ऐसी लग रही है। 7:30 बज गए गाइस, मंगलम टिम्बर ने आवाज़ दे दी। ये मंगलम टिम्बर पास ही है हमारे। तो गाइस, इसके साइड में इंद्रावती है, मतलब नदी। सॉरी सॉरी, इस साइड नहीं है, इस साइड है। पत्ता तोड़ रहे हैं, जो मैंने पेड़ नीचे खींचा है, मेरा भाई कोई काम कर रहा है। मैंने खींचा है गाइस, इसने कुछ नहीं खींचा। आपने अभी तक देखा है क्या इसको काम करते हुए? हाँ, अभी पेड़ पे चढ़े, इसलिए ब्लॉग में ले लिया। नहीं नहीं, अरे हम पेड़ पे चढ़े तब। हाँ, हम काम कर रहे थे इसलिए नहीं लिया, अब खुद कर रहे तो ले लिया। तो गाइस, हम चले बस्ता उठा के। चलो, खाली एक ही बस्ता हुआ है और दो बस्ता नहीं हुआ है। एक ही बस्ता हो जाए काफी, तो दिस मच सफिशिएंट गाइस, और नहीं चाहिए बस। इसको बोलते हैं छुई मुई पेड़। तो गाइस, इसको छुई मुई पेड़ बोलते हैं, मतलब नॉन टचेबल। इसको छुओगे तो फट जाए। और टच मी नॉट, सॉरी टच मी नॉट। ये देखो, सो गए। चलो, जा रहे, वो पेड़ गंदी है उसमें। हेलो गाइस, ये है इमली का पेड़, अगर आपको खानी है तो अपने घर के आसपास खोज ले जाओ। सो गाइस, एक ही बस्ता हमने लिया है, बिकॉज कल वो साई लेकर आया था और आज भी शायद लेकर आएगा वो, तो हो जाएगा ओवरऑल, इतना सफिशिएंट है। बट इसमें से आधे से ज़्यादा डैमेज निकलेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाले हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में हमने निकाले थे वो तो सारे ही सारे डैमेज थे। नेक्स्ट जो दूसरे पेड़ में गए थे उसमें अच्छे निकले हैं। तो लेट्स गो, घर में निकाल कर देखते हैं क्या है इसमें। तो अभी काजू फैक्ट्री चल रहे हैं, उस टाइम गए थे तो पोपट हो गया। तो गाइस, यहाँ पर हम आए ना, तो यहाँ पर मतलब गाँव ही एरिया है, एक गाँव का एरिया है, हमारे घर से अप्रोक्स 5 किलोमीटर दूर है। तो इस तरीके के हट आपको बहुत मिल जाएंगे, मतलब ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर वो कोई नीनी वगैरह आती है, यहाँ पर कुछ कुछ बनाती हैं और बनाकर ऐसे बेचती हैं, जैसे कि कुछ पकौड़ी वगैरह, चाय वगैरह। तो अभी बंद है, अगर खोला रहता तो हम कुछ ना कुछ तो लेते, तो आज बंद है। ओके, ये गाँव ही एरिया है, अंदर अंदर पूरा घर है, जिससे हमारा मिल्क आता है, दूध आता है, उनका घर भी यहीं पे है, उनका नाम धनुष है।
सो लेट्स गो गाइस विद आम का पत्ता, जल्दी जाके दुकान वगैरह भी खोलना है। इतने सारे गड्ढे हैं रास्ते में। राजा खेड़ा समझावा 150 रुपये सवारी, 150 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये। क्या अवस्था है गाइस रास्ता का। तो गाइस अभी जाके नहाना भी है, नहा के फिर दुकान भी जाना है, बहुत सारा काम है गाइस। तो आज दिवाली भी है, हैप्पी दिवाली। मैं बोला कि नहीं पहले? नहीं बोला हूँ सही। हैप्पी दिवाली गाइस एवरीवन। पता नहीं है दिवाली का ब्लॉग कब आएगा, क्योंकि और 2-3 ब्लॉग आने को है। तो काजू तो वो लोग ले रहे हैं, हम मिस्टी के पास चलते हैं। ओके, यहीं कहीं बैठी होगी। ये देखो गाइस सोफा सीट, गाड़ी का सोफा निकाल दिया है बुलेरो का। कितनी ठंडी मेरे बाबा। और खाना खा लिया आपने? लग रही है मिस्टी। अरे सब डरते हैं गाइस इसे, पर ये बिल्कुल भी नहीं डराती, किसी को परेशान नहीं करती ये। ओके है ना, है कि नहीं? ले चावल कर ले खाली। ओ बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। देखो गाइस कैसे फैक्ट्री में काम चल रहा है सीसीटीवी कैमरा में। भैया का ऑफिस कभी नहीं दिखाया? नहीं भैया। अच्छा ये हैंडमेड है ना? क्या ये वाला है ना? तो गाइस ये हैंडमेड नहीं है, कहीं से खरीद के लेके आए हैं और यहाँ पे लगाया गया है। ओके भैया 3 लाइट में 2 लाइट लग रहा है, रेड वाला। देखो गाइस न्यू गैजेट। तो गाइस अब चलते हैं, चलो। अब काजू तो हमने ले लिया, काजू की बर्फी बनाएंगी मम्मी। तो फ्लावर यहाँ पे लगा गया है जगन्नाथ मंदिर के पास, तो यहाँ से हमने टोकरी एक फाइनल की है, देखते हैं कौन सी वाली फाइनल होती है। तो गाइस फ्लावर लेना था, फ्लावर ले लिया हमने। गाइस लगे हाथ हमको दीपक भी मिल गए, हम दीपक भी ले रहे हैं। देखो कितने वेराइटीज के बनाए गए हैं, टोटल हैंडमेड है। तो फाइनली इतने घूमने के बाद यहाँ पर मिली गए वो दीपक जो चाहिए थे हमको। सो यहाँ पर दीपक ले लिए हैं, दीपक ले लिए हैं, पर फूल कम लग रहे हैं, और फूल लेना पड़ेगा, देखते हैं। हेलो हैप्पी दिवाली नीनी, हैप्पी दिवाली तो खुशी तो आज चले। देखो गाइस क्या यूनिक सा दीपक है, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा रहेगा, कितना मस्त है, यूनिक सा है। और भी वैरायटीज है यहाँ पर, कलरफुल में मिल जाएगा, ये में मिल जाएगा, बट ये बहुत यूनिक लग रहा है, इसका बड़ा वाला भी है। टोटल शॉपिंग कंप्लीट, बस अब रंगोली रह गया है, वही लेना है, तो मैं दिखा रहा हूँ रंगोली। ओके सो गाइस रंगोली भी मिल गया, अब यहाँ से रंगोली उठा लेंगे, अब फिर चलेंगे और दीपक भी लेने हैं। दीपक कम पड़ गए तो और यहाँ से ले रहे हैं, मतलब हम सब जगह से लेते हैं गाइस, सब लोगों का व्यापार होना चाहिए। सच की नहीं नीनी, हैप्पी दिवाली। बुझ लो उसकी नहीं कौन कौन सी, तेरे शक्ल में कहे 12 बज रहा है भाई, बदलने वाला था मेरा, क्यों बदलने वाला? अबे दुकान खोल रहे हैं, वो सामान लेना है। क्या सामान लेना? पंडित को बैठा हुआ है, होमवर्क कर रहा है तू? होमवर्क कर रहा है, मैं ना नहीं देखा पंडित ना क्या ऑफिस बंद है अभी, देख के आए हम लोग, तो पेंट मारे सुबह ना। पेंट बहुत अच्छा मारा है भाई, इतना अच्छा पेंट मारा है कि पेंट नहीं मारा तब अच्छा दिख रहा था, पेंट मारने के बाद पूरा खराब लग रहा है। जिसका काम उसको साझे दूजा करे ठेंगा बाजे, पेंटर को बुलाना चाहिए था ना, तब खुद कर लूँ हमने तो हुआ क्या? भाई को बोला नहीं, नहीं भाई ना वो नहीं बोला। गन्नू हैप्पी दिवाली बोल तो, बोल 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 गन्नू हैप्पी दिवाली, बोल हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली पापा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सबसे बोलती हो भैया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, फोड़ 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 दौड़ लिया। तो फाइनली गाइस टोटल शॉपिंग कंप्लीट, अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ बट दुकान आ गया हूँ, तो फर्स्ट दुकान खोलते हैं, फिर बाद में जाऊँगा मैं 11-12 बजे, ड्रेस चेंज करना है और नाना भी है, तो फिलहाल दुकान खोल रहे हैं। भैया हैप्पी दिवाली, थैंक यू। आज दिवाली है, अभी तक इसकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, देख लो इसको, इसलिए मुँह छुपा के आ रही है, सब लोग फेस छुपा के आ रही है। 3-4 दिन से शॉपिंग कर रहे हैं ये लोग का, दिवाली शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस।
सो गाइस टाइम 12:30 बज गया, अभी तक नहाया नहीं हूँ मैं, पर थोड़ा काम वाम कंप्लीट करके नहाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज नहाने के बाद काम करूंगा तो फिर ड्रेस गंदी हो जाएगी। तो फूल फ्लावर जो सुबह लिए थे ना वो बन के आ चुके हैं, अब इसको लगाते हैं हम दुकान के सामने। सब लोगों ने लगा लिया गाइस, मैंने ही नहीं लगाया है, मेरे दुकान के सामने नहीं लगाया, सबके दुकान में लगाया। तो फिलहाल मैंने ये लाइट लगाया हुआ है और इस लाइट को कुछ इस तरीके से लगाया है, मेरे को कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा था कैसे लगाऊं, लास्ट ऑप्शन फिर इस तरीके से लगाया। तो ये कॉमन लाइट है ब्लू कलर का, बिकॉज मेरा फर्नीचर जो है वो ब्लू कलर है, उसके रिगार्डिंग मैंने ब्लू कलर लगाया। तो फ्लावर लगाते हैं गाइस, फ्लावर लगाने के बाद फिर मैं एक छोटा सा सिनेमेटिक शॉट लूंगा दुकान कैसी सजाई है वो दिखाने के। हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली आपको भी, दिवाली में आपको और हर सभी को अभिनंदन है, नवरंगपुर वासियों को अभिनंदन है, वासियों को अभिनंदन है, सबका व्यापार सबका बिजनेस अच्छा हो। बहुत बड़ी बात बोली भैया आपने, थैंक यू सो मच भैया, खुशी हो खुशहाली हो। ओके अभी कुछ 50% लगाया हुआ है और नहीं 70%, 30% और बाकी है, उसके बाद शायद इधर भी लगाएंगे। सो गाइस फाइनली आधे घंटे के बाद पूरी फ्लावर हमने लगा दी है, अब मैं इसकी पूरी मस्त तरीके से सिनेमेटिक शॉट लूंगा क्योंकि दुकान अच्छी सजाई है हमने लाइट लगा के। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta again. So guys, मैंने cinematic shot लिए हैं. I hope आपको अच्छा लगा होगा. So guys, time 3:00 हो गया. मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ. Now 4:00 हम जाएंगे. फिर बाद में नहाएंगे. So guys, एक subscriber है जो कि अपनी sister के लिए gift ले रहा है. तो उसकी sister 15 years की होगी, तो 15 gift ले रहा है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ gift तो मैंने parcel कर दिए बोला. Gift wrap कर दिए हैं. 8 gift मैंने गिफ्ट ट्रैप कर दिए हैं और बाकी के ये रहे, ठीक है। तो इस टाइप के मतलब सब चॉइस किया है, तो ये मैं बाकी का रैप कर रहा हूँ, तो वो आएगा बाद में लेके जाएगा, तो और बाकी का जो रह गया है वो कंप्लीट करते हैं। गाइस अभी थोड़ा सेविंग के लिए जा रहे हैं, तो गाइस अगेन आ गए हम यही शॉप पर जहाँ हम रेगुलर आते हैं, इसे सीट वगैरह चेंज करवाई है, पहले थोड़ी लंबी थी अभी ये छोटी वाली है। गाइस सैलून से तो आ गए, अब नहा धो के जाएंगे दुकान, और दुकान सजा दी है हमने जैसे कि मैं दिखाया था आपको सिनेमेटिक शॉट, और फिर पूजा करके फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर रंगोली डाली जा रही है, मैं दिखाता हूँ और क्या क्या सजाया दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस ऑलमोस्ट अभी क्लियर नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, अभी 50% हुई है और 50% बाकी है। वैसे इतनी अच्छी बना रही है, इसको मैंने ही सिखाया है गाइस, है ना। और यहाँ पर कुछ ऐसे सजाया गया है, यहाँ पर होगा रात को पूजा, यहाँ पे हम रात को पूजा करेंगे। लाइट नहीं लगाया है, रात को लगाएंगे लाइट, मतलब लाइट फिट कर दिया है और नहीं किया है, तो रात को फिट करेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल टेम्परेरी रेडी हुए हैं, फिर बाद में जो दिवाली के लिए शर्ट लाया था वो पहनूंगा, अभी दुकान चलते हैं। ओके ऐसे कुछ हुआ है हेयर कट हमारा। गाइस अगेन मैं घर आया हूँ ये मोबाइल लेने के लिए, इसको अपग्रेड करें। तू गाइस इसकी चीटिंग बताऊं, ये सब फोन में देख के बना रही है। मैं सोचा ये अपने मन से बना रही है, वो भी अपने मन से बनाया बोल के सोचा था। टोटल फोन में चेक कर, देखो इधर देखो ये देखो, फोन में से चीटिंग कर करके बना रही है, इसको कोई टैलेंट बोलेंगे, जितना अच्छा भी बना चीटिंग करके तो बना रही है, खुद से बनाती तो पता लगे। तू फोन में देख के भी तो बना ले, देख के भी बना ले। तो फिलहाल हम आए अभी आम के पत्ता लेने के लिए, तो लेट्स गो गाइस दुकान ही चलते हैं डायरेक्ट, चाय वाय मंगाएंगे पियेंगे खाएंगे एंजॉय करेंगे, और बॉम्ब भी ले लिया है दुकान पे फुटाएंगे। ओके सुबह ड्रेस अलग था रे, दूसरा पहन लिया अभी दिवाली का, दूसरा पहन लिया, दोस्त दिया था इसलिए पहन लिया। कौन नाम ले लूंगा, ये मैं दिया गया, नहीं तो नाम लिया गया ये मैं दिया ही नहीं उधर को। तो फिलहाल तो चाय के लिए आए हैं, चाय लेके चलते हैं डायरेक्ट दुकान। ओके सो गाइस ये है हमारे पास कुछ बॉम्ब, फटाते हैं इसको देखते हैं। गाइस सिंगल फुटाना बहुत हो गया, अब मैं 4-5 को एट ए टाइम ज्वाइंट करके फटाऊंगा, तो पहले बना लेता हूँ फिर फटाऊंगा। सो बन गया गाइस, ये रहा 4-5 को एट ए टाइम। ओके और ये भी ले लेते हैं, रख देते हैं और लगा देते हैं, लगे भागो फट हो गिटा। ओ भाई सो गाइस फाइनल बॉम्ब है ये, क्या इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको चटाई है ये। हाँ एक्सपेरिमेंट करवा
एंड माची सानो सानो हो गया बेसी एट ए टाइम लोग ना ओ भाई तो गाइस ये नेक्स्ट लेवल था, ये मजा आ गया। ये वाला जो था चटाई, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। अरे बड़ा ठीक है, तो जा भी लाडो ठीक है, तो सही है। ओ स्टार्ट फ्लॉप 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 है गलाड़ा। सो गाइस दुकान तो हमने पूरी टोटल बढ़ा दी है, मतलब ऑलमोस्ट सामान सब अंदर रख दिया है। अब थोड़ा लास्ट है, दुकान में पूजा करना है, दिवाली की पूजा है और बाहर दीपक वगैरह लगाना है, फिर दुकान क्लोज करके जाएंगे घर। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके तो दीपक तो चालू है, हमारा चल रहा है, उसमें हम जो है ऑयल वॉयल फिल कर रहे हैं। घी है, सॉरी ऑयल नहीं है, घी है। बंद करने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है दुकान। तो फिलहाल शुभ लाभ लिख रहे हैं हम, जहाँ शुभ लिखा हुआ है लिख दिया और यहाँ पे लाभ लिखेंगे। तो गाइस पूजा कंप्लीट, अब घर जा रहे हैं। ओके दुकान बढ़ा देंगे, बाहर हमने दीपक लगा दिए हैं। अरे दीपक एक तो भूंज भी गया, ओ ये एक्चुअली क्रैकर फुटा दी इसलिए भूंज गए। तो गाइस कैंडल एंड दीपक लगा दिया हमने, बैक टू होम, घर पे दिवाली बनाएंगे। मेन रोड के बीचों बीच क्रैकर फुटाया जा रहा है। तो गाइस फाइनली रंगोली कुछ ऐसी हुई है हमारे घर के अंदर। ओके अभी आ रहे हैं हम दुकान से, तो देख रहे हैं हैप्पी दिवाली। और ये दीपक बना हुआ है। सो बाहर कुछ लाइट ऐसे लगाई है गाइस। सो गाइस ये है हमारी दिवाली की ड्रेस, शर्ट न्यू है और पैंट पुरानी है। गाइज अभी हम आए हैं मंदिर जी, अब घर जाएंगे फिर पूजा करेंगे। ओके तो बम वगैरह फट रहे हैं तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा क्रैकर फट रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। पापा अब हमें गिफ्ट देंगे, दिवाली गिफ्ट क्या दे रहे पापा? के तो इसमें क्या है, पॉकेट मनी गाइस। चलो कोई नहीं, पापा सबको देते हैं, हम पापा को कुछ भी नहीं दिए। पापा क्या चाहिए तुम्हारा? अच्छे दे रहो, मजे दे रहो, ये चाहिए बस। ओके सो फिलहाल अभी फोटो शूट होगा तो उसके रिगार्डिंग ये सब लगाया गया है, रिंग लाइट।